नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और मैंने आज एक नई हेयर स्टाइल की है, ज़रा देख के बताइएगा अच्छी है या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बोलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी एसटीम के डोर हैंडल्स कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देर सारा पैसा बचाइए और बेल आइकन का दबाए मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं निकालूँगा फ्रंट डोर का डोर हैंडल, और आपको पहले ये पिन जो है वो निकालना है इसे स्लाइड करके। तो डोर पैनल निकालने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा डोर पैनल के अंदर। तो ये है डोर हैंडल अंदर के साइड से। तो ये पिन आपको पहले ऐसे निकालना है स्क्रू ड्राइवर लेके। तो ये निकला मेरा पिन। तो ये पिन निकालने के बाद आपका ये लॉक जो है वो स्लाइड होके बाहर निकलेगा। अब ये लॉक सिलेंडर बाहर निकालने के बाद आपको इधर ऊपर ये प्लास्टिक क्लिप ऐसा ऊपर स्लाइड करके साइड में करना है और ये डंडा खींच के बाहर निकालना है लॉक का। अब ये अटैचमेंट निकालने के बाद आपको ये दोनों बोल्ट जो है वो निकालने हैं। अब ये दोनों बोल्ट लूज़ होने के लिए मैं इधर एक सिलिकॉन लुब्रिकेंट जो है वो थोड़ा इधर स्प्रे करूँगा ताकि ये थोड़े लूज़ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही टाइट रहते हैं। इस हैंडल में एक नट फिक्स रहता है, तो कभी कभी ये नट और बोल्ट दोनों एक साथ घूम जाते हैं और वो हैंडल टूट जाता है अंदर। तो अभी मैं ये दोनों बोल्ट पहले निकालूँगा। तो इधर निकला मेरा एक बोल्ट। अब मैं ये दूसरे बोल्ट को भी थोड़ी स्प्रे मारूंगा। अगर आपको ये स्प्रे चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत ही अच्छी स्प्रे है। तो ये निकला मेरा दूसरा बोल्ट। अब ये दोनों बोल्ट निकालने के बाद आपको बाहर के साइड में जाना पड़ेगा। तो इधर मैं आया बाहर के साइड में और ऐसा स्लाइड करके आपको ये डोर हैंडल बाहर निकालना है। तो ये निकला मेरा आगे का डोर हैंडल। तो दोनों आगे का डोर का हैंडल निकालने के लिए सेम प्रोसेस है। और इधर आप देख सकते हैं नट ऐसे कैसे फिक्स रहता है इस हैंडल में। तो अगर ये ज़्यादा ही जाम है तो हैंडल टूट जाता है नट निकालते समय, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं निकालूंगा पीछे का डोर हैंडल, और पीछे का डोर हैंडल निकालने के लिए थोड़ी दिक्कत है। इधर आप देख सकते हैं कि ये डोर हैंडल कितना अंदर रहता है, वो उसके पास पहुंचने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इधर मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये कैसे निकालना है वो। तो पहले आपको एक कैप जो है वो निकालना है। तो ये कैप निकालने के बाद इधर एक स्क्रू रहता है वो आपको निकालना है। अभी वो स्क्रू निकालने के बाद आपको इधर साइड में आके इधर तीन स्क्रू रहते हैं वो निकालने हैं। ये लॉक को होल्ड करते हैं वो स्क्रू है, वो तीनों स्क्रू आपको अभी निकालने हैं। अभी ये तीनों स्क्रू निकालने के बाद आप फिर से इधर आइए और ये दोनों रॉड जो है वो लॉक को कनेक्टेड रहता है वो आपको छोड़ने हैं। अब ये रॉड निकालने के लिए मैं लूँगा एक ऊपर का व्यू। तो इधर आप देख सकते हैं ये लॉक आपको छोड़ना है, ये प्लास्टिक का क्लिप जो है वो आपको ऊपर निकालना है ताकि वो रॉड बाहर आ जाए। तो इधर मैं स्क्रू ड्राइवर ऐसे उस होल में से अंदर डालूँगा, और इधर आप देख सकते हैं मेरा क्लिप जो है वो छूट गया है। ये अभी देखो क्लिप इधर छूट गया है, ये ऐसे रहता है ये क्लिप। तो इसे मैंने होल में से डाला है
स्क्रू ड्राइवर और ऐसे ऊपर निकाला है ये क्लिप। तो ये क्लिप निकालने के बाद ये रॉड जो है वो साइड में ऐसे पुश करके आपको निकालना है बाहर। तो क्लिप को पहले ऐसे साइड में कीजिए और इसे पुश कीजिए ये रॉड। इधर आपको पहले आपका ग्लास निकालना पड़ेगा, तो ग्लास निकालने का वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप मैं लिंक इधर ऊपर डाल दूंगा, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो ये निकला मेरा रॉड, ये ऐसे इसमें अंदर था वो अभी मैंने निकाला है, देखिए। तो एक रॉड इधर मेरा छूट गया है, ये देखिए। अब मैं छोड़ूंगा मेरे दूसरे रॉड का कनेक्शन, तो मैं स्क्रू ड्राइवर डालूंगा लॉक के होल के साइड से। और ये देखिए इधर मेरा क्लिप जो है वो छूट गया है, अब मैं वो रॉड साइड में पुश करके बाहर निकालूंगा। देखिए ये निकला मेरा दूसरा रॉड। ये दोनों रॉड बाहर निकालने के बाद आपकी लॉक असेंबली जो है ये वाली वो पूरी बाहर आएगी। तो ऐसे करके आपको ये साइड में रखना है। तो ये है आपकी पूरी लॉक की असेंबली। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं ये वीडियो देख के। अभी ये दो क्लिप्स है जो मैंने छोड़े हैं जिसको वो रॉड कनेक्टेड था, अब इसको निकाल के ऐसे साइड में रख दीजिएगा। अब ये लॉक असेंबली साइड में रखने के बाद आप आराम से उस बोल्ट के पास पहुंच सकते हैं। वो होल जो हमने कैप निकाला था उस होल में से आपको अपना पाना डालना है और ऐसे घुमा के वो बोल्ट जो है वो निकालना है, अंदर है वो। और ये बोल्ट के पास तो आप इजीली पहुंच सकते हो, तो इसको भी आपको अभी निकालना है। दोनों बोल्ट निकालने के बाद आपका हैंडल जो है वो आराम से ऐसे बाहर आएगा। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर साइड में मैं लिंक डाल दूंगा, उधर जाके आप मेरे सब वीडियो देख के बहुत सारा पैसा बचाइए। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।